यहाँ पर मेरे पास, अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर आ गई, 2A cos θ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, K into Q divided by under root of d square plus y square का whole square। और बच्चे cos of theta, cos किसके बराबर है, cos किसके बराबर है, बेस जो कि y है, हाइपोटेन्यूज, तो d square plus of y square की पावर मेरे पास है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2KQY, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, शाबाश, d² + y² की पावर का आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2। d² + y² की पावर का मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, 3/2 आ जाएगा। अब मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए। कोई भी चीज आपके पास मैक्सिमम कब होती है, जब उसकी डिफरेंसिएशन dE/dy इज इक्वल टू 0 हो जाती है। अब ये dE/dy 0 कैसे हो गई और क्यों हो गई, क्योंकि हमारे पास +1 के अंदर एक टूल होता है, विच इज द टूल ऑफ द डिफरेंसिएशन, ये डिफरेंस आना चाहिए। अगर किसी चीज की डिफरेंसिएशन 0 है तो मतलब वो चीज या तो कांस्टेंट है, या मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो गई, या मिनिमम होकर कांस्टेंट हो गई, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही। कोई चीज चेंज कब नहीं होती है, जब वो मैक्सिमम हो जाती है या वो मिनिमम, तो उसके डिफरेंसिएशन 0। अब यहां पर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो अब इसके डिफरेंसिएशन कैसे करोगे, 2KQ। हम कर क्या रहे हैं, एक बच्चे ने यहाँ पे डाउट पूछा, ये डाउट आकाश के मॉड्यूल का है और वेरी इजी डाउट है, आप इसके रिजल्ट को याद भी कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर ऊपर जाता है और डिफरेंसिएशन ऑफ द न्यूमरेटर होती है, d/dy ऑफ आपके पास y माइनस, फिर मेरे पास यहां पर y बाहर आ जाएगा, डिफरेंसिएशन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर, तो d² + y² की पावर 3/2, और फिर हमारे पास नीचे पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी और d² + y² की पावर 3/2 का आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा, और इन सब की वैल्यू, क्योंकि डिफरेंसिएशन 0 है तो इक्वल टू 0 हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब बात रहेगी डिफरेंसिएशन की, तो d² + y² के पावर 3/2, dy/y तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ y। अब अगर हम इसकी डिफरेंसिएशन करेंगे तो पहले पावर फंक्शन आएगा 3/2 इंटू d² + y² के पावर 3/2 माइनस 1, फिर बच्चे वाई स्क्वेयर की डिफरेंसिएशन, क्योंकि दो बार पावर आ रही है, एक बार कवर से बाहर, एक बार खुद की, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2y = 0। इसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, ये 2 से आपके पास 2 कैंसिल, और d² + y² की पावर 3/2 = सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 3y² d² + y² 3/2 माइनस ऑफ 1 कितना आ जाएगा, तो ये मेरे पास हाफ आ जाएगा। इसके आगे चले तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा d² + y² पावर 3/2, इसकी पावर दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो माइनस हाफ 3y² लॉजिक क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तो d² + y² 3y² और मेरे पास यहाँ पर d² = 2y², तो मेरे पास y² = d² / 2, तो y = ± d/√2। इतने डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो बच्चा इस रिलेशन को याद भी कर लेता है,
अगर इस सिचुएशन को याद भी कर लेता है उसको उतना ही बेनिफिट होगा जो बच्चा इसकी डिफरेंशिएशन करे। ये एक डाउट था कि मेरे पास इन दोनों चार्जेस की वजह से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो आपको वाई की वो वैल्यू बतानी है जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो ये मैंने निकाल कर बता दिया। क्लियर? किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से? शाबाश, वेरी गुड। किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। अगर कोई बच्चा डाउट, सर ये रिलेशन आपने पहले भी लिखवाया है ना? हाँ बेटा, मैंने रिलेशन किसी, देखो मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि रिलेशन मैंने करवाया भी हुआ है, और मैं आपको ऐसा काम करवा रहा हूँ बच्चे कि जो ऑल ओवर इंडिया लेवल का, मतलब कि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मैं आपको बड़े ढंग से, और ये मैंने आपको पहली नहीं दूसरी बारी, पहले ये चीज हम ग्रेविटेशन में भी कर चुके होते, तो मैं आपको ऐसा काम करवा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अटके ही ना आपका बच्चे, कभी भी ना अटके बच्चे, बस आपको मेरे न्यूमेरिकल्स, मेरे एग्जाम्पल्स दिमाग में रखना। और हाँ, एक चीज और करनी है, और वो है आपकी इंटरेक्शन। अरे सर ये करवा दो, ये करवा दो, वो हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन निकल रहा है, ये नहीं निकल पा रहा, बस यही तो काम करता आपने। आपके क्वेश्चन देखो 2 मिनट में बनते जाएंगे बच्चे। क्लियर? क्लियर है सर? सर वो 2Q, सर वो स्टेप, सर वो DE/DY=0, सर उसके बाद सर क्या किया सर आपने? डिफरेंशिएशन की बच्चे हमने इसकी। ओके सर, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन बच्चा हमारे पास क्योंकि प्लस टू के सिलेबस का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है राजे, तो उसके लिए बात की बात नहीं, वो बात की बात है कि हम उसको कैसे टैकल करेंगे। फिलहाल ये डाउट था, मैंने डाउट कंप्लीट कर लिया। डिफरेंशिएशन नहीं आती मुझसे बात करो, ये स्टेप समझ में नहीं आया मुझसे बात करो, अलग से बात करो, अलग से सेशन लगाओ, लेकिन करो जरूर बच्चे, क्वेश्चन जरूर करो, बाकी बच्चों से कम्पीट करो जो ऑल ओवर इंडिया आपके साथ कम्पीट करना चाहते, गिव देम अ टफ फाइट, नॉट कि आप जीतना चाहते हो, आप ये बताना चाहते हो कि हम भी पढ़ रहे हैं। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट में चलिए। सो हमने कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की, और मैंने आपको जीरो पोटेंशियल के बारे में बात करी कि हमारे पास जीरो पोटेंशियल कहां कहां पर लाई करता है, तो एक सर्कल पे मैंने बताया, लेकिन क्या रियलिटी में मुझे सर्कल की जरूरत पड़ेगी? आंसर है नहीं। अब हम देखते हैं बच्चे, We know the fact that हमको ये fact बिल्कुल पता है, the zero potential due to the two charges, the zero potential due to the two charges आपके पास occur at the infinite points. At the infinite points, ये हमारे पास infinite points के ऊपर occur करते, but लेकिन बच्चे our examination या हमारा जो examiner होगा बच्चे, our examiner will restrict या हमें restrict कर देगा बच्चे the zero potential point to in number, यानी कि हमको दो जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स के लोकेशन ढूंढने पड़ेंगे, हमको ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा टीचर। टीचर से बोलेगा दो ऐसे पॉइंट्स निकालो जहां पर दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान आपके दिमाग में रहना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो देखते हैं बच्चे हमारे क्वेश्चन। हमारे पास NCERT क्वेश्चन 2.2 सॉल्ड एग्जाम्पल 2.2। इसके बाद हम अनसॉल्व क्वेश्चन को करेंगे, पहले सॉल्व देख लेते हैं। और हमारे पास क्या बच्चे, यू आर गिवन द टू चार्जेस, मेरे पास यहां पर दो चार्जेस है ऑफ द वैल्यू, जिनकी बच्चे हमारे पास यहां पर वैल्यू है 3×10^-8 कूलम,
एंड माइनस टू इंटू 10 के पावर माइनस 8 कूलम लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. देखो ये तो पता लग गया, फ्रॉम ईच अदर. ठीक है जी, पता लग गया. मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इनके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है. तो डायग्राम कैसा बनेगा? तो ये लो जी मेरा बन गया डायग्राम. ये मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, और इनके बीच का डिस्टेंस मेरे पास कितने के बराबर है? 15 सेंटीमीटर के बराबर हो गया. एक चार्ज जो पॉजिटिव है 3 × 10 के पावर माइनस 8 कूलम, दूसरा −2 × 10 के पावर माइनस 8 कूलम. इन दोनों की वजह से जीरो पोटेंशियल के पॉइंट्स बताने, पॉइंट्स नॉट पॉइंट. टीचर अगर पॉइंट भी बोलेगा तो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल के दो पॉइंट्स होंगे, दो पॉइंट्स होंगे याद रखना. एक पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में होगा और दूसरा बच्चे दोनों चार्जेस के बीच की जो लाइन है उससे बाहर की तरफ. तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूं. कॉन्सेप्ट क्या बच्चा हमारे पास? कॉन्सेप्ट है यहां पर देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ जीरो पोटेंशियल, टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ जीरो पोटेंशियल. मेरे पास यहां पर दो डिफरेंट पॉइंट्स है किसके? ऑफ द जीरो पोटेंशियल. मेरे पास यहां पर दो डिफरेंट पॉइंट्स है किसके बच्चे? जीरो पोटेंशियल. मेरे पास यहां पर दो डिफरेंट पॉइंट्स है जीरो पोटेंशियल, एक इनसाइड एक आउटसाइड, नंबर वन. लेकिन बोथ लाइज नियर, फिर देखो बच्चे बोथ लाइज नियर, ये दोनों के दोनों लाई करते नियर चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर मैग्नीट्यूड. अब याद रख लेना जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो नेगेटिव साइन को हटा कर देखोगे, आप नेगेटिव साइन को हटा कर देखोगे कि कौन सा चार्ज आपके पास बड़ा है या कौन सा चार्ज आपके पास छोटा. होप सो तो मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मेरे पास जैसे ये 3 है और ये −2 है तो मैं यहां पर −2 को बच्चे छोटा चार्ज मानूंगा. सिर्फ इस वजह से नहीं कि इसके साथ नेगेटिव साइन है, नहीं, −2 का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, 2 के बराबर. जब भी आपको जीरो पोटेंशियल निकालना है तो आपने साइन को हटाकर देखना है कौन सा चार्ज बड़ा और कौन सा छोटा, नेगेटिव साइन हटाकर देखना, हटाकर. जैसे ये −2 का मैग्नीट्यूड छोटा है तो एक न्यूट्रल पॉइंट आपके पास अंदर लाई करेगा जीरो पोटेंशियल का, और दूसरा बाहर लाई करेगा N2, ये भी जीरो पोटेंशियल का. There will be two different points for zero potential. One inside, another outside. लेकिन रहेंगे ये दोनों के दोनों किसके पास? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उसके पास. नेगेटिव साइन को इग्नोर करके देखना है, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर देते हैं बच्चे, नेगेटिव साइन को ड्रॉप करके देखना है किसकी वैल्यू बड़ी और किसकी वैल्यू छोटी. दो न्यूट्रल पॉइंट्स आ गए, एक न्यूट्रल पॉइंट मेरे पास अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ. जरा चेक कर लेते अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. तो पहले बच्चे हम यहां पर फर्स्ट मैं जीरो पोटेंशियल का पॉइंट देख, मैं यहां पर पहला जीरो पोटेंशियल का पॉइंट देखता हूं, मैं पहला जीरो पोटेंशियल का पॉइंट देखता हूं. ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है +3 × 10 की पावर −8 कूलम. सलोनी यहां पर मेरे पास एक दूसरा चार्ज है नेगेटिव का, 2 × 10⁻⁸ और मैं बोल रहा हूं यहां पर −2 के पास ये वो पॉइंट है जहां पोटेंशियल जीरो. तो मेगा कैसे करेंगे? तो मेगा मुझे क्या पता कि ये पॉइंट -2 से कितनी दूर है,
है अंदर पर कितनी दूर मुझे नहीं पता। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से एक्स ले लेता हूं तो पॉजिटिव से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। तो आंसर है 15 माइनस एक्स हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि अंदर। अब इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, देयरफॉर ध्यान से समझो बच्चे, हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, तो के इंटू थ्री इंटू 10 के पावर माइनस के डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना आ गया बच्चा हमारे पास, 15 माइनस ऑफ एक्स। क्लियर बच्चे? और मेरे पास इसी जगह पे नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसी जगह पे नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो प्लस ऑफ के इंटू माइनस टू इंटू 10 के पावर माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स, और इनका पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चे, जीरो। इस डिस्टेंस पे दोनों का पोटेंशियल ऐड होकर जीरो होना चाहिए इस पॉइंट पर, इस डिस्टेंस पे। अब इसको कैसे करोगे आगे बताओ, इसको करने के लिए अब बताओ कि मेरे पास क्या आ जाएगा। सो के इंटू थ्री इंटू 10 के पावर माइनस एट, नीचे आ गया 15 माइनस एक्स। तो आगे बताओ परनीत क्या करोगे, तो मेरे पास ये दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो के इंटू टू इंटू 10 के पावर माइनस एट डिवाइड बाय एक्स। तो अब बताओ ये हमारे पास दोनों कैंसिल, के से के भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, सो 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 15 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 30 माइनस ऑफ 2x। जल्दी बता दो क्या चीज आ गई, तो मेरे पास 5x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये 6 सेंटीमीटर कहां से, ये 6 सेंटीमीटर कहां से है, ये 6 सेंटीमीटर कहां से है आप पता कर सकते हो, ये 6 सेंटीमीटर मेरे पास माइनस 2 इंटू 10 के पावर माइनस 8 कूलम से, और यही पॉइंट दूसरे चार से कितनी दूर होगा बच्चे, तो आपके पास है 15 माइनस 6 यानी कि 9 सेंटीमीटर भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन ये डिस्टेंस किससे होगा, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम से। जी लग गया बात पता बच्चा आपको, लग गई बात ये पता आपको, समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक डिस्टेंस आपके पास कहां से है, एक डिस्टेंस बच्चा हमारे पास यहाँ पर कहां से है, एक डिस्टेंस मेरे पास यहां से है जो कि 6 आ गया, और दूसरा डिस्टेंस बच्चा हमारे पास कहां से आ गया, देखो एक डिस्टेंस यहां से अगर 6 आ गया तो इसी पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे चार्ज से कितना होगा, तो 15 माइनस 6 ये 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास यहां पर पहला न्यूट्रल पॉइंट है, जीरो पोटेंशियल का पॉइंट। अब दूसरी चीज जिसमें मैक्सिमम बच्चा गलती करेगा, बच्चा यहां पर एक पॉइंट निकालकर बोलेगा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, नहीं गलत बात, यहां पर एक और पॉइंट भी है। तो अब मेरे पास यहां पर एक और पॉइंट भी है, तो सेकेंड पॉइंट कहां लाई करेगा, सेकेंड पॉइंट कहां लाई करेगा, ये मेरे पास आ गया आपके पास है एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और बच्चे हमारे पास माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और इनके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर भी बाहर बाहर नेगेटिव चार्ज से बाहर, पर बच्चा बोलता अच्छा नेगेटिव के पास होगा, इसका नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं रहा चाहिए, इसका लेना देना है कि माइनस टू का मैग्नीट्यूड 2 है, माइनस 2 का मैग्नीट्यूड 2 है और 2 3 से छोटा होगा, नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं, न्यूट्रल पॉइंट का नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं कि ये नेगेटिव चार्ज के पास आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरे पास यहां पर दूसरा न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट इस नेगेटिव चार्ज से अगर वाइड डिस्टेंस दूर है, अगर ये इससे वाइड डिस्टेंस दूर है, सिमरत अगर ये इससे वाइड डिस्टेंस दूर है
तो बता बच्चा हमारे पास ये 3 × 10⁻⁸ से कितनी दूर होगा, शाबाश बता दो। तो 15 + (y) = 15 + (y) = 15 + (y) = क्लियर। अब इन दोनों की वजह से बाहर पोटेंशियल जो भी n2 पे आएगा वो जीरो होना चाहिए। कैसे? तो मेरे पास आ गया k -2 × 10⁻¹, क्योंकि पोटेंशियल साइन सेंसिटिव होता है, डिवाइड बाय y प्लस ऑफ k (3 × 10⁻¹) डिवाइडेड बाय 15 प्लस ऑफ y, क्योंकि पोटेंशियल साइन सेंसिटिव है। तो इस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल आया वो जीरो होना चाहिए। भाई मेरे को क्या तकलीफ है? तकलीफ है क्योंकि टीचर बोल रहा मुझे ऐसा पॉइंट ही चाहिए जो जीरो पोटेंशियल पे है। मैं पॉइंट के लिए कंफर्म हूं कि जीरो पोटेंशियल होना चाहिए, पर मुझे वो डिस्टेंस नहीं पता कहां मिलेगा। एक तो अंदर मिल गया, बाहर कहां मिलेगा? तो इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये पॉइंट भी मिल जाएगा। बताओ शाबाश कैसे करोगे इसको? शाबाश बताओ बच्चे। इसको अगर हम आगे की तरफ को देखें तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, मेरे पास यहां पर आपके लिए कितना आएगा k × अब दूसरी तरफ ले जाओ, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाय 1 एंड दिस इज इक्वल टू k × 3 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाय 15 प्लस ऑफ। मेरी बात को आप समझ लो, यहां पर k, ये भी k, 10⁻¹ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 15 + (y) इज इक्वल टू 3y, तो 30 + (2y) इज इक्वल टू 3y। जल्दी बता दो 30 = (y), लेकिन ये कौन से चार्ज से है? -2 × 10⁻¹ को लो, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे होगी, कोई बच्चा बता सकता है? तो 15 + 30 यानी कि 45 सेंटीमीटर होगा। 45 सेंटीमीटर कहां से होगा बच्चे हमारे पास? बताओ 3 × 10⁻¹ कूलम से। काम खत्म, ऐसा हजम जी। अब बताओ किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट हो तो। मैंने यहां पर आपको बता दिया जीरो पोटेंशियल के आपके पास यहां पर अगर दो चार्जेस आते हैं तो देखो बच्चे कितना लंबा क्वेश्चन है। आसान है क्वेश्चन तो सर, आसान है पर लंबा जाएगा, और ये बच्चे स्कूल में 3 मार्क्स का आएगा, झूठ नहीं बोल रहा बच्चे मैं, आप सोच लो, क्योंकि एक पॉइंट अंदर निकालना है, एक बाहर निकालना है। मैक्सिमम बच्चे अंदर वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, काम करो, अंदर वाला पॉइंट निकाल लिया, अरे आ गया जीरो पोटेंशियल का पॉइंट आ गया। नहीं, आपके पास जीरो पोटेंशियल के पॉइंट के लिए आपको ध्यान रखना है बच्चे, हमारे पास जीरो पोटेंशियल के लिए दो पॉइंट्स होंगे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। अब देखो बच्चे यहाँ पर मैं बोल बच्चे इसे सर, इसमें सर हमने मीनिंग के दोनों में सिर्फ साइन जो है नेगेटिव इग्नोर कर देना है इसमें बच्चे। तो जैसे एक्स वाले केस में सर आपने -2 × 10⁻¹ सर आपने माइनस साइन इग्नोर कर दिया ना आपने। नहीं राजे, तू ध्यान से देख, मैं तेरे को जूम करके दिखाता हूँ, ये देख बच्चे, यहाँ पर क्या मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया? यहाँ पर तू मुझे एक बात बता, ये बता क्या मैंने इसके नेगेटिव, जब मैं नेट पोटेंशियल निकाल रहा था, ऐड कर रहा था, ये नेट पोटेंशियल निकाला ना दोनों को ऐड करके, हाँ या ना बच्चे? तो क्या मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया? यस और नो बता बच्चे। नहीं सर। मैंने इसको जीरो के बराबर क्यों किया जस्सी, जरा बता बच्चे मुझे वाई, मैंने ये स्टेप क्यों किया बता मुझे, मैंने इन दोनों को ऐड करके जीरो क्यों किया? क्योंकि ये गिवन है बच्चे कि यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल का सम क्या हो जाना चाहिए? जीरो। जब मैं इस नेगेटिव, ये देख मैंने एरो लगाकर क्या बोला, जब मैं इस नेगेटिव वाली टर्म को यहाँ पर जीरो की तरफ को लेके आऊंगा तो ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मेरे पास x − y = 0, क्या ये मैं x = y लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो मैंने क्या y के साइन को इग्नोर किया पहले स्टेप में? No, sir. बेटा मैं तो इग्नोर कर ही नहीं सकता, मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, और मैं बोल भी रहा हूँ कि साइन सेंसिटिव है, साइन सेंसिटिव है,
दोनों को ऐड करके जीरो करना है, उस अननोन लोकेशन पे ऐड करके जीरो करना है। जीरो करना क्यों करना है? क्योंकि उस पॉइंट पर मैं जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, क्लियर है बेटा? चलो अब मेरे पास यहां पर देखो, मैंने जूम करके तभी दिखाया लड़की कि मैंने इग्नोर नहीं किया, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक बच्चे इसको किया। ठीक है, तो हम कभी भी इग्नोर नहीं करते। ये देखो, ये आपके पास नेगेटिव साइन है, ये देखो बच्चे, ये जिन बच्चों को लग रहा है ये नेगेटिव साइन है। जब ये टर्म राइट हैंड साइड पे जाएगी जीरो वाली तरफ, तो बच्चे ये टर्म आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जैसे, यस सर। चल अब चलते हैं बच्चे हवा। और यहां पर भी नहीं इग्नोर किया, ये देख बच्चे, यहां पर भी इग्नोर नहीं किया, यहां पर भी इस एंटो पॉइंट के ऊपर जब मैंने दोनों चार्जेस के पोटेंशियल को निकाला, ये देख, ये अभी भी यहां पर नेगेटिव, ये नेगेटिव है। और मैं इन दोनों के पोटेंशियल को ऐड करके जीरो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस पॉइंट पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास क्या बच्चे, जीरो पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल, इस वजह से। ठीक है बेटा? यस सर। चलो तो ये मेरे पास यहां पर क्वेश्चन आ गया। मैक्सिमम बच्चे इसका एक आंसर लिख के आएंगे। मैंने आपके ऊपर सारी मेहनत की है कि यहां पर दो पॉइंट्स होते, लेकिन एक और चीज, लेकिन ये बड़े ध्यान से लगाने वाला शॉर्टकट है बच्चे, अवॉइड अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेटा ये जो अब मैं आपको करवा रहा हूं बड़े ध्यान से कर, ये है तो बच्चे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर बड़े बड़े बच्चे फिसल जाते और वो बच्चे ध्यान नहीं रख पाते कि शॉर्ट ट्रिक लगानी कैसे। देखो कैसे, मेरे पास यहां पर पॉइंट्स ऑफ जीरो पोटेंशियल कैसे मिलते, पॉइंट्स ऑफ जीरो पोटेंशियल कैसे मिलते, फ्रॉम चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, फ्रॉम चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर, यानी नेगेटिव साइन को हटाकर देखना है कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है या फिर छोटा। द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल फ्रॉम द चार्ज ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, फ्रॉम द चार्ज ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, क्या चेक करो? तो मेरे पास या तो डिस्टेंस x आएगा या फिर बच्चे y आएगा। x कब आएगा, y कब आएगा, मैं बता दूं। एक तो आपने लाइन खींचनी है बच्चे, याद रखना। ऊपर बच्चे इन दोनों चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस देख, इन दोनों चार्जेस के बीच का टोटल गिवन डिस्टेंस कितना, जैसे इस केस में टोटल गिवन डिस्टेंस कितने के बराबर है, जल्दी बता दो बच्चे, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे ब्रैकेट लगानी है और रूट नहीं आएगा, ये बच्चे रूट लगा बैठते हैं, रूट नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा, क्योंकि रूट का शॉर्टकट आता है फोर्स में, फील्ड में, यहां पर रूट नहीं आएगा। यहां पर नीचे बच्चे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलर चार्ज, मैग्नीट्यूड यानी नेगेटिव साइन हटा देना, नेगेटिव साइन नहीं आएगा इस शॉर्टकट में। और ऊपर बच्चे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द बिग चार्ज, मैग्नीट्यूड ब्रैकेट लगा दिया, रूट नहीं आएगा, और यहां पर प्लस और माइनस पर बच्चे हमारे पास प्लस माइनस। तो जब आप प्लस अकेला यूज करोगे तो वो तब यूज करोगे जब आपको लोकेशन इनसाइड चाहिए, और आप माइनस कब यूज करोगे, जब आपको लोकेशन न्यूट्रल पॉइंट की जीरो पोटेंशियल की आउटसाइड चाहिए। लेकिन ध्यान से करना बच्चे, डू नॉट डू दिस अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसको छोड़ दो, वैसे भी आंसर आ ही जाएगा, इसको छोड़ दो। तो बेटा ध्यान से करना है, डू नॉट पैनिक, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो बच्चा हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल आपके पास एक्स या वाई आएगा, टोटल गिवन डिस्टेंस नीचे लाइन, ऊपर बच्चे बिगर चार्ज का मैग्नीट्यूड, नीचे स्मॉलर चार्ज, प्लस माइनस। एक बार प्लस से आंसर निकाल देना, प्लस से निकालोगे तो इनसाइड वाला पॉइंट आ जाएगा छोटे चार्ज से, और बच्चे अगर माइनस यूज करोगे तो छोटे चार्ज से आपके पास बाहर वाला आपका जीरो पोटेंशियल का पॉइंट आ जाएगा। जी मुदित बोलो बच्चे। सर अगर हमें एक ही चार्ज दिया हो तो नल पॉइंट भी एक ही मिलेगा ना हमें? कैसे?
सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नल पॉइंट आप जस्टिफाई करो एग्जैक्ट आपके स्टेटमेंट के। सर इस क्वेश्चन जैसे सर इसमें हमें दो चार्जेस गिवन थे सर अगर सिंगल चार्ज हमें दिया हो उसका नल पॉइंट। आप सबसे पहले बताओ नल का मतलब क्या होता है? जीरो। जीरो होने के लिए मैं तुम्हें अगर ये बात बोलूं कि जीरो होने के लिए दो टर्म्स होनी चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक टर्म से भी एक टर्म अपने आप गायब हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? नो सर। तो समझ पा रहे तूने क्वेश्चन क्या पूछा? तूने ये बोला कि सर हम किसी भी चार्ज की वजह से कोई भी एक चार्ज ले लो, चल मैं तेरा क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक सिंगल चार्ज है क्यों, उसकी वजह से यहाँ पर जीरो पोटेंशियल कैसे आ जाएगा? अगर ये r डिस्टेंस है तो के क्यू बाई आर आएगा, इसको जीरो करने का मतलब है तो r को क्या ले रहा बच्चे? इनफाइनाइट। ये कैसे पॉसिबल? जीरो चार्जेस के लिए मिनिमम दो चार्जेस होने जरूरी, मिनिमम, ठीक है बच्चे? मिनिमम कितने चाहिए? दो। तो आपके पास एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? हाँ राघव बच्चे बोलो, शाबाश बोलो राघव। सर जो शॉर्टकट है सर आपने बताया सर, सर वो एमसीक्यू के लिए सर यूज करना चाहिए कि नहीं सर? क्या बेटा फिर से बोलो बच्चे। सर आपने कहा सर शॉर्टकट सर ये यूज नहीं करना चाहिए सर अगर मैंने सर। अरे यार अगर आपको यूज ही नहीं करवाना होता तो बेटा मैं आपको देता यहाँ पे शॉर्टकट, ठीक है सर? सही बोला था सर। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से करना है, डू नॉट गेट पैनिक, यहाँ पर रूट नहीं आएगा, कोई भी चार्ज के साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, प्लस का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, तो आप ये यूज कर लीजिए। और जो पॉइंट आएंगे वो बच्चे छोटे चार्ज के, जो स्मॉलर चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है राजे, वहां से निकाल, ठीक है? ओके सर। अगर कोई चीज नहीं देनी होगी, आपके मम्मी पापा आपको चॉकलेट अगर नहीं देना चाहते तो आपको देखे देखे क्यों? तो मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला देख अगर तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाए तो मैंने बोला तो बड़ा मेथड है मेरी, ऐसे तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे बदनाम मैं हो जाऊंगा यार ना, बदनाम मैं आ जाऊंगा, सर ने बोला था छोड़ दो एमसीक्यू के अंदर, ऐसा नहीं है काके। आप क्वेश्चन देखो शॉर्टकट में आपको इसलिए दे रहा हूँ बच्चे, शॉर्टकट में आपको इसलिए दे रहा हूँ बच्चे ताकि आप क्वेश्चन को फटाफट कर पाओ, लेकिन पैनिक नहीं होना पाओ, और इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हमारे पास यहाँ पर चार्ज है 3 × 10⁻¹⁸ - 2 × 10⁻¹⁸ और इनके बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ये बच्चे 15 सेंटीमीटर है और मुझे जीरो पोटेंशियल के पॉइंट्स बताने, तो एक माइनस टू के पास एक बाहर, एक का डिस्टेंस यहां से एक्स और दूसरे का वाई, तो कैसे निकालेंगे बच्चे? सपोज कि मुझे एक्स निकालना है तो 15 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड लेना, 2 × 10⁻¹ बड़ा चार्ज, 2 × 10⁻¹ इनसाइड निकाल रहा हूं तो आपके पास प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 / 3/2 + 1 15/5 × 2 तो आंसर कितना आ गया बच्चे हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अगर मुझे y निकालना है तो 15 / 3 × 10⁸ −8 × 10⁻¹⁸ और यहां पर −1 क्योंकि ये मैं आउटसाइड निकाल रहा हूँ, ये मैं इनसाइड निकाल रहा हूँ, ये कैंसल, तो मेरे पास 15 / 3/2 −1 तो नीचे हाफ बच जाएगा, आंसर इज 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर हो रहे हैं बच्चे बताओ? शाबाश, फ्रॉम द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, द चार्ज ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जी अब बताओ किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट हो तो, शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट? शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट इसमें से? शाबाश बोलो बच्चे। है किसी बच्चे का कोई डाउट बोलो? है कोई डाउट? चले आगे की तरफ। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो अब हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, और ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे? नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड, ये क्वेश्चन बच्चे जो हमारे पास अब बेस्ड है,
अगेन ऑन द जीरो पोटेंशियल एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन 2.1 एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से, मेरे पास यहां पर दो चार्जेस हैं, फोकस करना, मेरे पास यहां पर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर यहां पर मेरे पास एक चार्ज है विच इज ऑफ द वैल्यू, जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम, और दूसरा चार्ज है -6 माइक्रो कूलम, और इन दोनों के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। लोकेट द पॉइंट्स ऑफ जीरो पोटेंशियल, लोकेट द पॉइंट्स ऑफ जीरो पोटेंशियल कहां पर लाई करेंगे बच्चे, बताओ, शाबाश, बोलो शाबाश, लोकेट द पॉइंट्स ऑफ द जीरो पोटेंशियल। जी कोई बच्चा बोले, कोई बच्चा बोले कहां कहां पर लाई करेंगे बच्चे, -6 के पास लाई करेंगे कि 5 के पास लाई करेंगे, पहले तो ये बताओ। 5 के पास, 5 एक अंदर और एक बाहर, तो हमारे पास एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस सिक्स का मैग्नीट्यूड 6 है और 5 का मैग्नीट्यूड 5 है, तो 5 6 से छोटा हुआ इस वजह से, और अंदर वाले के लिए डिस्टेंस मेरे पास x आ गया, तो बाकी का डिस्टेंस कितना आ गया बच्चे, 16 माइनस 6। अब मैं यहां पर इस क्वेश्चन को एक सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूँ, बताओ कैसे करूंगा, मुझे सिंपल इतना देखना है कि k into 5 म्यू कूलम डिवाइडेड बाय x प्लस पाव। अब ये साइन सेंसिटिव है, जैसे देखिए साइन सेंसिटिव है, तो k into -6 माइक्रो कूलम अपॉन 16 माइनस x इज इक्वल टू 0, ये साइन सेंसिटिव है, दोनों ऐड होकर, दोनों ऐड होकर n1 पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जल्दी बता दो हमारे पास क्या आ जाएगा, k into 5 माइक्रो कूलम अपॉन x इज इक्वल टू k into 6 माइक्रो कूलम अपॉन 16 माइनस x। ये k से k कैंसिल, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चे, 5 into 16 माइनस x इज इक्वल टू 6x। ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 माइनस 5x इज इक्वल टू 6x। तो आपके पास x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 90/11 सेंटीमीटर, 8 point something आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास 8 point आपके पास समथिंग, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास 88, तो 2 बच जाएगा, 0.20, तो 11, 1 बच्चे 11, 9 बच जाएगा, फिर से बच्चे 8 आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। सर गलत नहीं किया सर आपने, सर वो 18 होगा सर, क्या बेटा, सर 18 होगा, 5 into 16, हां ठीक है बच्चे 80, आई एम सॉरी 80, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 80/11, ठीक कह रहे हो बच्चे, 80/11, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिल्कुल सही कहा इस बच्चे ने। ये बच्चा हमारे पास 80/11 है, थोड़ी सी क्लेरिकल एरर, इसको हम क्लेरिकल एरर बोल देते हैं। तो अब ये किस पे चला जाएगा, 7 पॉइंट लग जाएगा 30, तो 2 पे चला जाएगा 22, तो ये बच्चा हमारे पास है, थैंक यू राघव, बहुत बढ़िया, 7.2 आ जाएगा। और दूसरा न्यूट्रल पॉइंट कहां की तरफ को आ जाएगा, बोलो शाबाश, जस्सी कहां पर आ जाएगा, सलोनी, गौरव, परनीत, आपके पास इमरत, मेगा, बच्चा मुस्कान, बताओ कहां की तरफ को आ जाएगा सलोनी, बाहर की तरफ, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितने के बराबर आ गया बच्चे, वाई के बराबर, तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहां पर वाई के बराबर आ गया। अब बताओ इसकी वजह से हमारे पास यहां पर क्या कंडीशन आ जाएगी, जरा देखो, तो मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, जरा बताओ, तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या चीज आ जाएगी, वी कैन राइट डाउन k into 5 माइक्रो कूलम अपॉन मेरे पास y, और नेगेटिव के लिए कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ k into -6 माइक्रो कूलम अपॉन, अरे बोलो ना बच्चे नीचे कितना आ जाएगा, क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर से, 16 plus x इज इक्वल टू राजेश 0, क्या मुश्किल है, अरे यार ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो कोई डायरेक्शन नहीं, कोई वेक्टर लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल एक इनसाइड एक आउटसाइड, एक बार ही डिस्टेंस में x लेना, दूसरा 16 minus x, एक बार y लेना तो दूसरा डिस्टेंस 16 plus y, दोनों का इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, और बच्चे
ऐड करके जीरो कर दो, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, काम खत्म। इसको सॉल्व करेंगे तो किसी बच्चे का आंसर आया, कितना आया बच्चा हमारे पास, बोलो शाबाश। तो के इंटू फाइव माइक्रो कूलम अपॉन वाई इज इक्वल टू के इंटू सिक्स माइक्रो कूलम अपॉन, बच्चा हमारे पास यहाँ पर 16 प्लस हो गया, तो ये अब मेरे पास कैंसल, ये कैंसल और ये कैंसल, तो 80 प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू 6y। तो बताओ y की लोकेशन कितने के बराबर आ गई, 80 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 80 सेंटीमीटर। छोटे चार से 80 सेंटीमीटर दूर, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। जी किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से, शाबाश बोलो। किसी बच्चे का कोई डाउट, नितिका कोई डाउट बेटा, नितिका कोई डाउट, पक्का श्योर है? ये भी क्वेश्चन हमने यहां पर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन 2.2 एनसीईआरटी, क्वेश्चन 2.2 एनसीईआरटी, हमारे पास क्वेश्चन 2.2 एनसीईआरटी क्या बोलता है, यह हमको बोलता है कि वी हैव अ रेगुलर हेक्सागन। मेरे पास यहां पर एक रेगुलर हेक्सागन, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा हमारे पास। तो मेरे पास यहां पर एक रेगुलर, क्या बच्चा आपके पास हेक्सागन है, जिसके साइड मेरे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। चलो जी ये बन गया हेक्सागन और इसके ऊपर मेरे पास साइड कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर। 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 ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी मेरे पास 10 सेंटीमीटर। मेरे पास यहां पर ये जितना भी बच्चा हमारे पास एक आपके पास यहां पर हेक्सागन है, इसके साइड बच्चा हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। और मेरे पास यहां पर ये जो चार्ज है, यह आपके पास एक दो, यहाँ पर तीन, ये बच्चा हमारे पास चार, ये हमारे पास पांच और ये बच्चा हमारे पास छह, ये सारे चार्ज 5 माइक्रो कूलम के। मैं एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2.2। तो ये 5 माइक्रो कूलम, ये भी 5 माइक्रो कूलम और ये भी बच्चा हमारे पास 5 माइक्रो कूलम। और इन सभी चार्जेस की वजह से इनके सेंट्रल पॉइंट पर, ओ पॉइंट के ऊपर मुझे क्या बताना है, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो ये 5 की वजह से आएगी ऐड हो जाएगी, 5 की वजह से आएगी ऐड हो जाएगी, ये हमारे पास सभी की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आएगा और ये बच्चा हमारे पास ऐड होता जाएगा। इन सभी चार्जेस का इस हेक्सागन के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, कोई बच्चा बता सकता है? तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 10 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास यहाँ पर ओ पॉइंट से हर एक चार्ज का डिस्टेंस आ गया। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो सभी का पोटेंशियल सेम होगा, डिफरेंट होगा, सेम होगा, और आपस में ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, लॉजिकल सी बात है। सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएगा और ये मेरे पास कितना आएगा, 6 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस कितना है बच्चे, 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास 6 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, 5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 0.1 आपके पास यहाँ पर बन। तो हमारे पास अब बताओ कि आपके लिए यहाँ पर ये चीज कितने के बराबर आ जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन 6 इंटू 9 तो आपके पास 54 इंटू 5 तो 270, तो 270 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 6 प्लस ऑफ 1, तो 270 इंटू 10 रेज टू पावर 9 माइनस 6 3 प्लस 1 4, तो इतने वोल्ट का मेरे पास यहां पर पोटेंशियल आ जाएगा। जी मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे पोटेंशियल, इसके सेंटर पे नहीं निकाल पाओगे,
आया ना, निकल जाएगा बच्चे, निकल जाएगा बेटा। किसी बच्चे का कोई डाउट, नितिका डाउट बच्चा, जस्सी, मुदित, राघव, गौरव, परनीत, सलोनी, मेघा, बेटा कोई डाउट इसके अंदर से? शाबाश, है कोई डाउट बेटा? पक्का हो जाएगा, आई थिंक सो, कर लोगे तो आप कर लोगे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल ऐड ही तो करना है बच्चे और पोटेंशियल निकालना। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती यहाँ पर, एक पॉइंट मैं वर्थ मेंशन कर देता हूँ, अगर कोई टीचर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी थी? शाबाश, क्या बता सकता है कोई बच्चा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी थी ओ पॉइंट के ऊपर? जीरो। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से नीचे, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर, ये जीरो होगी क्योंकि ये हमारे पास पेयर के अंदर क्या हो जाती है बच्चे? कैंसिल हो जाती है। ये हमारे पास पेयर्स के अंदर क्या हो जाती है? कैंसिल। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास 2.13 क्वेश्चन एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहां पर एक क्यूब है, ध्यान से समझ, ये मेरे पास यहां पर एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे एक पॉइंट है ओ। ये मेरे पास आपके लिए क्यूब आ गया, ये मेरे पास यहां पर क्यूब आ गया, ये मेरे पास यहां पर क्यूब आ गया और इस क्यूब की साइड मेरे पास बी के बराबर है, बी, इसके साइड आपके पास बी के बराबर है, ध्यान से जवाब देना। और इसके सेंटर पे पॉइंट आ गया हो, बिल्कुल सेंटर पे, और मेरे पास यहां पर चार्ज क्या है? क्यू। 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 हर जगह पे एक जैसा चार्ज है, हर जगह पे एक जैसा चार्ज है, इन सभी चार्जेस की वजह से, आठों चार्जेस की वजह से ओ पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल, और क्यूब की साइड कितने के बराबर है, कैसे निकालोगे? तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि हर चार्ज इस क्यूब के सेंटर से, ओ पॉइंट से कितनी दूर है। किसी बच्चे को पता है ये कितनी दूर होगा? कैसे बच्चे को पता है ये कितनी दूर बाई टू? कितना बच्चे? नितिका, आपके पास मेडिकल है कि नॉन मेडिकल है? मेडिकल सर। ये मैं यही बाकी बच्चों को सुनवाना चाह रहा था जिन बच्चों के पास नॉन मेडिकल, कि इस लड़की के पास मेडिकल है बट ये लड़की ने जवाब दिया। कंपेरिजन कोई नहीं करता है, हो जाता है बेटा, ये बात आप समझो बच्चे। आपका जवाब अगर आ रहा है तो डेफिनेटली है बच्चे कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, गलत भी हो तो क्या दिक्कत है, मुझे एक बात बताओ। अब यहाँ पर कई बच्चे फंस जाएंगे, अब इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या नॉन मेडिकल वाले बच्चों को बताना पड़ेगा कि अगर क्यूब की साइड बी है तो हाफ ऑफ बॉडी डायगनल रूट थ्री बाई टू इंटू बी होता है, पता है ये कि नहीं पता बच्चे आपको? यस और नो? नॉन मेडिकल वालों, आया ना, अभी भी नहीं जवाब दे रहे थे, तो कितने चलाक बच्चे ये, आया ना, बहुत ही सियाने बच्चे, कहते हम जवाब नहीं देंगे, हमें तो सुनाई नहीं दिया कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा, चलो छोड़ो। तो बताओ यहाँ पर आठों के आठों चार्जेस इक्वल भी हैं ओ पॉइंट से, इक्वल डिस्टेंस पे भी, और सबके सब पॉजिटिव भी है, तो सबका पोटेंशियल मिलकर क्या आएगा इसके इसके ऊपर? तो 8 × 1/4 πε₀, चार्ज सभी क्यू के है और नीचे बताओ कितना आ जाएगा? शाबाश, बता दो, अंडर रूट ऑफ 3 × 2 × b। तो सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर कैंसिल करके 4 लेके आ जाएगा, तो बताओ पोटेंशियल कितने के बराबर है? 4q/√3 πε₀ × b। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेंटर पे आ गया, एग्जैक्टली इस क्यूब के सेंटर पे आ गया। क्वेश्चन 2.13 एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, जी समझ में आ गया बच्चे आपको? यस और नो? अरे ये तो बोल दो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आए, अच्छा चलो। अब बच्चे हम आज के लिए इतना करते हैं, अभी के लिए इतना करते हैं, आप इसको पढ़िए, कोई डाउट हो तो ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और डाउट्स का भी ध्यान रखिए।